इट्स मी प्रियंका, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा यूनिक, क्योंकि आज है मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। तो अभी बर्थडे के लिए तैयारी चल रही है, उसको सरप्राइज देना है। तो अभी मैं हूँ एक बहुत ही स्वीट एंड क्यूट एंड ब्यूटीफुल प्लेस में। अभी मैं बलून्स को डेकोरेट करूँगी, तो बस अभी तैयारी चल रही है, वो आने वाली है 7 o'clock तक। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। तो आप देख सकते हो मैंने रूम का पूरा डेकोरेशन कर लिया है एंड अभी मुझे रेडी होना है क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जाएगी। मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ, ऐसे ही मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिला। सो आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ रूम का एक व्यू। तो ये मैंने पूरा किया है डेकोरेशन। अभी भी थोड़ा थोड़ा बलून्स बेड पे लगेगा एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें बाकी है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल रेडी होना है वरना एंड में मैं ही रेडी नहीं होंगी। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही एंड इसका मैं एक क्लोज शॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। Hey guys, I'm back। तो आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत कम ही टाइम लगता है रेडी होने में, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी वजह से वो अभी तक नहीं पहुँची है। एंड मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स लोग आने वाले हैं, एक्चुअली मैंने उनको इन्वाइट किया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को नहीं मालूम कि वो लोग आ रहे हैं क्योंकि ये उसके लिए सरप्राइज़ है। एंड गाइस, एंड ये ड्रेस भी मैंने उसके लिए परचेस किया है। सो दिया को नहीं मालूम है, वो तो अपना कुछ पहन के आएगी, लेकिन वो जब आएगी तो इससे वो सरप्राइज हो जाएगी। एंड केक भी ऑन द वे है क्योंकि मैं नहीं जा पाई, मैं यहाँ पे डेकोरेशन में बिजी थी। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, आई एम बैक अगेन। सो अभी तो बर्थडे गर्ल नहीं पहुंची है, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं। सी तो हाय तो बोल। सो ये सेटअप तो रेडी है, बट बर्थडे गर्ल इज स्टिल मिसिंग, सो वी आर वेटिंग फॉर हर। सो गाइस अभी के लिए इतना ही एंड फाइनली पहुंच चुका है एंड इसका भी चल रहा है अनबॉक्सिंग। जी जैसा ऑर्डर दिया था वैसा बनाया या नहीं देख लेते हैं। আমার আগে রেকর্ড করা ভিডিওটাও আচ্ছা তুই করেছিস, তুই করেছিস সব।
আর কিভাবে করলি বলো? কেমন লাগছে তোর? তুই জানিস ভেতরে কি হচ্ছে? সব জানি না, দিকে তো নিয়ে ঝাল করব ছেলে তো জিজ্ঞেস করো কি দেখেছিস। কিছু দেখতেই তো পাই না আমি, একই তো তুই প্রমাণ কর। চেঞ্জ করতে টিয়া ওকে একটা গিফট দিয়েছে, যে গিফটটা ও এখন ড্রেস চেঞ্জ করতে গেছে, দেখা যাক কি হয়। না নেই বাইরে আয়, আমাদের দেখা মাটির দিকে দাঁড়া দেখতে আয়।
আমার খুব ভালো লেগেছে খুব 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 ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে থ্যাংক ইউ আমি আমি একটা লিমিট থাকে ভাই और हर हिंदी सो गाइस सरप्राइज आज के मेली भी कॉल की था कि पूरे गाने की निकाल के एडवांस कर दूंगा गाइस जस्ट आप लोग विश्वास नहीं करोगे इतना ओवर एक्टिंग और इतना गंदा मतलब नाकामी जो बोलते हैं ना जो नाटक चलो अरे इतना इतना नाकामी क्यों करते हो तुम लोग मतलब इतना नाटक कहाँ से आते हैं ये भी स्क्रिप्टेड है गाइस ये भी स्क्रिप्टेड है गाइस मैं खुद नहीं बोलूंगा मेरा अपना बंगाली तो थोड़ा बहुत हो जाएगा आई एम सॉरी पर ये इन लोगों का एक सीरीज आ रहा है रूममेट बोल के ठीक है तो वो तुम लोग देखो और तब पता चलेगा कि ओवर एक्टिंग इतना ओवर एक्टिंग कहां से अक्षय का वो बात था ना 50 रुपए का ओवर एक्टिंग के ये लोग माइनस पे रन करेगा पता है इतना ओवर एक्टिंग करते हैं प्लीज तुम लोग देखो और प्लीज कमेंट करो कैसा लगा वो प्लीज बोल हेलो गाइस दिस इज योर फेवरेट कुशल आचार्य एंड वेलकम टू माय चैनल हाय हाउ वेलकम टू हर चैनल प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो Right. जो भी करना है इन लोगों को करो मेरा कोई फायदा नहीं है भाई If you like this video, then don't forget to give it a thumbs up and do like, follow and subscribe to my channel. और आप अगर चाहो तो मुझे Instagram and Facebook में भी follow कर सकते हो मेरे daily update के लिए. So आज के लिए इतना ही. And I'll see you in my next one. Until take care, bye. Stay healthy, keep supporting.